हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय शाह है। मैं एक एसएमई बिजनेस कोच हूं और मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड। और बिजनेस पर्सन्स को बिजनेस रिलेटेड एक्सपर्ट एडवाइस कहीं भी कभी भी मिल सके उसके लिए मैंने एक वेबसाइट भी शुरू की है जिसका नाम है smebusinessguide.com। बिजनेस कम्युनिटी को अपना बिजनेस चलाने में और ग्रो करने में सहायता हो उसके लिए मैं अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस पेश करता रहता हूं। रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप सीरीज अनाउंस की है जिसका नाम है बिल्ड योर बिजनेस। इसका पहला सीरीज हम मुंबई में करने वाले हैं। हर महीने एक संडे को सुबह 9 से 12 मुंबई के मिठीबाई कॉलेज में फर्स्ट सीरीज इसका शुरू होने वाला है। पहला वर्कशॉप 22 अप्रैल को होगा। ये वर्कशॉप हिंदी में होगा। और एक बिजनेस पर्सन अपना बिजनेस चलाने के साथ साथ उसको ग्रो कैसे कर सके उसके रिलेटेड 12 अलग अलग टॉपिक्स इस वर्कशॉप सीरीज के अंदर शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रनिंग ए बिजनेस एंड बिल्डिंग ए बिजनेस। बिजनेस को चलाने में और उसको बिल्ड करने में क्या फ़र्क है। जनरली रोज बरोज की जिंदगी में हम अपने बिजनेस में जो काम करते हैं, जो रोज का प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोज के जो इश्यूज को हैंडल करना, रोज का जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, दैट इज रनिंग योर बिजनेस। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस को टिकाए रखना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, सो हमें सिर्फ रनिंग पे नहीं परंतु उसके साथ साथ बिजनेस को बिल्ड कैसे करें, बिल्डिंग द बिजनेस के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और इसके लिए 12 अलग अलग एरिया के बारे में हम इस वर्कशॉप सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं। अब बिजनेस को ग्रो करना है या डेवलप करना है तो उसके आइडियाज हमारे पास कहाँ से आ सकते हैं। अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से हमको बिजनेस को ग्रो करने के आइडियाज मिल सकते हैं। हम किसी से बात करते हैं दूसरे बिजनेस पर्सन के साथ तो हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है। किसी का केस स्टडी हम स्टडी करते हैं, कोई कोर्सेज हम अटेंड करते हैं, कोई लेक्चर, कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार अटेंड करते हैं। यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम अटेंड कर सकते हैं। बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर आर्टिकल पढ़ने से भी हमको बहुत सारा गाइडेंस मिल सकता है बिजनेस ग्रो करने के बारे में। और कोई वीडियो देख के या ऑडियो सुन के भी हमें गाइडेंस मिल सकता है। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अलग अलग सोर्सेज से आइडियाज़ हमारे पास आए हैं, ये तलाश एक बिजनेस पर्सन को हमेशा जारी रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ऐसी मेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। अब ये सवाल आता है कि मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत महंगे वाले भी कोर्सेज हैं, लाखों रुपया फीस वाले भी कोर्सेज हैं, तो इसमें ये सस्ते वाला चंद हज़ार रुपयों वाला 12 वर्कशॉप का सीरीज़ का क्या मतलब है। ओके, तो ये सस्ते वाले चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ। तो सस्ता कोर्स होगा या महंगा कोर्स होगा, आइडियाज़ आपको कहीं से भी आ सकते हैं और आइडिया का सोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आइडिया का डेस्टिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आइडिया कहाँ पे किस माइंड में उतरता है और फिर उसके ऊपर काम क्या होता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आइडिया कहाँ से आ रहा है, वो सस्ते वाले सोर्स से आ रहा है या किसी महंगे वाले सोर्स से आ रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। प्लीज़ फोकस ऑन द आइडिया, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। चाय अगर हम पीना चाहते हैं तो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग जगहों पे हमको चाय मिल सकती है। एक टपरी पे हमको चाय मिल सकती है 5 या 6 रुपये कटिंग की चाय। थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक उडीपी सीधी साधे रेस्टोरेंट के अंदर हमको 25 या 30 रुपये कप की एक चाय मिल सकती है। किसी एक सोफिस्टिकेटेड काफ़े में जाएंगे, स्टारबक्स या सीसीडी, तो वहाँ पे 100-150 रुपये एक ग्लास हमको चाय मिल सकती है। और भी आगे बढ़ेंगे तो किसी 5-स्टार होटल के अंदर 200-300-400 रुपये कप भी चाय मिल सकती है। ये चारों जगहों पर चाय सेम है, लेकिन फ़र्क है वो कहाँ पे मिल रही है और कैसे दी जाती है, राइट। सो मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि पर्टिकुलरली इस वर्कशॉप सीरीज़ के बारे में कि आप चाय पे फोकस करिए, आइडियाज़ पे फोकस करिए और कोई भी आइडिया आपकी ज़िंदगी को या आपके बिजनेस को बदलने में हेल्पफुल हो सकता है, दैट आई स्ट्रांगली बिलीव। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरा ही कोर्स अटेंड करिए। मार्केट में अलग अलग टाइप के कोर्सेस अवेलेबल हैं और मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मेरे पास सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास सारे सवालों के जवाब भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ सोल्यूशंस, कुछ गाइडलाइंस, कुछ सजेशंस आपको देने के लिए हैं। मैं बिजनेस पर्सन को स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ कि आपको कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आपकी पॉकेट जितना अलाउ करे या आपके पास जितना समय हो उतने कोर्सेस, उतने लेक्चर, सेमिनार, वर्कशॉप, जो भी आपको ठीक लगे, बुक्स वगैरह जो भी आपको ठीक लगे उसमें आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। लर्निंग के लिए मेरी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बात शेयर करना चाहूँगा।
अगर मैंने जब अपने करियर शुरू की तभी मुझे राइट एडवाइस मिल जाती तो शायद अपने बिजनेस में अपने करियर में मैंने जो गलतियाँ की, जो फेल्योर्स, जो सेटबैक्स मुझे मिले और जो तकलीफ़ें मुझे सहन करनी पड़ी वो शायद कम हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे ही मुझे पता चला कि जो मुझे नहीं आता है वो मुझे कहीं से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, मैंने सीखना शुरू किया। पिछले 27-28 सालों में करीब करीब 350 दिन से ज़्यादा मैंने अलग अलग लेक्चर्स या तो वर्कशॉप्स या तो सेमिनार्स अटेंड करने में स्पेंड किए हैं। आज भी करीब करीब हर महीने एक दिन की एवरेज से मैं ऐसे अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग चीज़ें अटेंड करता हूँ, सारे लोगों के पास जाके बैठ के सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे बिजनेस पर्सन्स को कि अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अगर अपने बिजनेस को टिकाए रखना है, आगे बढ़ाना है, तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे आप कुछ सीख सकते हैं, मैं आपको कुछ बता सकता हूँ जो यूज़फुल होगा आपके बिजनेस के लिए, तो ज़रूर मेरे इस वर्कशॉप सीरीज़ बिल्ड योर बिजनेस में आप रजिस्टर करिए। मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। 22 अप्रैल को मेरा पहला वर्कशॉप है जिसका टाइटल है बिजनेस एज ए टूल ऑफ वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस को ग्रो करने में, बिल्ड करने में वैल्यू क्रिएशन का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो आई इन्वाइट यू ऑल टू ज्वाइन माई वर्कशॉप सीरीज दैट इज़ बिल्ड योर बिजनेस। एंड अगर आपको लगे कि आपके किसी फ्रेंड, किसी किसी पहचान वाले को इस वर्कशॉप सीरीज से फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर इस मैसेज को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच।